आप जिंदा है और आपको महानगर पालिका से कॉल आए और कह दें कि आपका डेथ सर्टिफिकेट रेडी है, आप ले जाए, तो क्या होगा? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे महाराष्ट्र के थाना जिले के मानपाड़ा में रहने वाले चंद्रशेखर देसाई के साथ, जो पैसे से टीचर हैं और अपनी नौकरी करते हैं, और इनको थाना महानगर पालिका से एक कॉल आया, वहाँ से बताया गया कि आपका डेथ सर्टिफिकेट रेडी है, आप उसे ले जाए। ये सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो जो है इसके बारे में पूछताछ करने पर उन्हें बताया गया कि आपकी कोरोना के कारण 8 महीने पहले ही डेट हो चुकी है और जिसका डेट सर्टिफिकेट महानगर पालिका ने बनाया है, आप उसे आकर ले जाएं। ये सुनकर जो चंद्रशेखर जो है उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और ये अचंभे में पड़ गए। मेरा नाम चंद्रशेखर वेंकटराव देसाई, रहनार थाने मानपाड़ा हिलक्रिस्ट बिल्डिंग, यहाँ पर मैं रहता हूँ 20 साल से। और मुझे कोरोना हुआ था 10-15 महीना हुआ होगा, पिछले अगस्त में हो गया था। लेकिन आज अचानक मुझे थाने महानगर पालिका के इधर से एक लेडीज ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने बता दिया कि चंद्रशेखर देसाई और यहाँ पर रहते हैं क्या। तो मैं बोला कि हाँ, आप किधर से बोल रहे हैं? तो थाने महानगर पालिका से बोल रहे हैं। और उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर देसाई तो डेथ हो गए, सर्टिफिकेट हमारे पास तैयार है। इसी प्रकार उन्होंने कहने के बाद उनको मैंने खुद में बोला कि मैं ही चंद्रशेखर देसाई हूँ, मैं ही आपसे बात करता हूँ, लेकिन समझो यही फ़ोन मेरे घर में मेरे माँ के पास या मेरी वाइफ के पास जाता था तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था, क्योंकि मेरी माँ 80 साल के ऊपर एज है उनका। मुझे आया फ़ोन तो मैं सब कुछ निभा सका, लेकिन घर में फ़ोन जाता था तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। हाँ, देखो कि मैं घाटकोपर में शिक्षक इस पद पर काम करता हूँ और इसी प्रकार महानगर पालिका का ये जो कारोबार दिखाई दे रहा है वो तो मुझे लगता है कि इतने सालों में, ये साल तो ये कोरोना के वजह से वगैरह और बिगड़ गया, तो इसका कारण यहाँ के जो पदाधिकारी है, सरकारी अपने महानगर पालिका के जो कर्मचारी है, राजकीय जो सब नेता लोग हैं, उनके कारण यहाँ पर का जो सब कुछ हो गया है, थाने महानगर पालिका का जो कारोबार है वो सब मुझे तो लगता है कि कुछ लायक नहीं रहा। मैं घर पे अभी पहुंचने वाला था, मैं स्कूल से निकला हूँ और अचानक यहाँ पर आया महानगर पालिका के पूछने के लिए कि बाबा इसी प्रकार का क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो वो लेडी का फ़ोन जो आया था उन्होंने मुझे बता दिया कि इसी प्रकार का आपका नाम का डेथ सर्टिफिकेट तैयार है। मैंने बोला कि मैं खुद बोल रहा हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास रिकॉर्ड है, उसमें आपका नाम आया है, आपको डेथ घोषित कर दिया है, इसी प्रकार उन्होंने बता दिया। देखिए, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोग जो पोस्ट कोविड जो एक्टिविटी रहती है उसमें हर एक को हम कॉल करते हैं, जो भी घर पे उपचार लेता है उनको भी कॉल करते हैं, जो डिस्चार्ज हुआ पेशेंट उनको भी कॉल करते हैं। और ये जो लिस्ट आती है, ये लिस्ट टीएमसी या थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपडेट नहीं करती है, ये लिस्ट पुनः से आती है, वो लिस्ट पर हम काम करते हैं। जो डिस्चार्ज हुए उनको पोस्ट कोविड कुछ इश्यूज है क्या, कुछ सिम्टम्स है क्या, या जिसके घर में डेथ हुई है उनके घर में और कोई इसको सिम्टम्स वाले कोई कोरोना मरीज है क्या, इसी के लिए ये कॉल करते हैं। गलती से जो डेथ की लिस्ट में जिनका नाम था उनको ही फोन लग गया, लेकिन वो लिस्ट हमने बनाई नहीं थी। लेकिन यहाँ इसके आगे हमारा ये रहेगा कि लिस्ट जो भी प्राप्त हुई है हमको उसका वेरिफिकेशन हम करेंगे, उसके बाद लोगों को कॉल करेंगे। सर, इस तरह से टेक्निकल गलती के बारे में कुछ लोगों के मन में भावना अलग से है कि महापालिका इसमें मैं बोल रहा हूँ ये टेक्निकल है और ये लिस्ट टीएमसी ने बनाई, टीएमसी के लिए भावना होने की जरूरत नहीं है, ये यादें टीएमसी ने बनाई नहीं है,
हर एक हॉस्पिटल को ये अपडेट करने का एक्सेस मिलता है, वो एक्सेस वो जरिए उनकी यादी वो अपडेट करते हैं वो गवर्नमेंट के ऐप पे, वो यादी का बाद में क्लासिफिकेशन होके वो टीएमसी के जो भी मरीज रहेंगे या डेथ लिस्ट रहेंगे वो टीएमसी को भेजी जाती है और उस पर हम काम कर रहे हैं आगे जाकर टेक्निकल। इसके लिए मैं वही बताया कि इसका वेरिफिकेशन करेंगे,